नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। दिल्ली से इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर ये है कि दिल्ली एम्स के लगभग 35 डॉक्टर ऐसे बताए जा रहे हैं जो कोरोना की चपेट में आ गए हैं। हैरानी की बात यह है कि इस कोरोना ने उन डॉक्टर्स को भी नहीं छोड़ा जो खुद कोरोना की वैक्सीन हाल ही में लगवा चुके थे। ये 35 के 35 डॉक्टर जो कोरोना की चपेट में आए हैं, हाल ही में इन्होंने वैक्सीनेशन कराया था, कोरोना वैक्सीन की पहली डोज ली थी और ये सारे ही जितने भी डॉक्टर्स हैं ये कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। इन सभी ने अलग अलग खुद को आइसोलेट कर लिया है और इसके अलावा जितनी भी तमाम एहतियात हैं ये सभी बरत रहे हैं। लेकिन ये एक बड़ा चिंता का विषय है कि खुद डॉक्टर्स, वो डॉक्टर्स जिनको हम फ्रंटलाइन वर्कर्स कह रहे हैं, जो ऐसे समय में आगे आकर काम कर रहे हैं जिस वक्त एक चिंता का माहौल पूरे देश और दुनिया भर में बना हुआ है, ऐसे वक्त में अगर डॉक्टर्स भी कोरोना पॉजिटिव हो जाएंगे तो फिर इससे बड़ी चिंता की बात और कोई नहीं हो सकती। आपको बता दें, एम्स ही नहीं, इससे पहले जो गंगाराम अस्पताल है उसके भी लगभग 37 डॉक्टर्स कोरोना से संक्रमित पाए गए थे। वो भी फिलहाल क्वारंटीन में अलग अलग हैं और उनका भी इलाज चल रहा है। जाहिर तौर पर जिस तरह से बैक टू बैक दो अस्पतालों के लगभग 70 के आसपास डॉक्टर्स कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं, इसको लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब हरकत में आ गए हैं। बताया जा रहा है कि गंगाराम अस्पताल के चेयरमैन डॉक्टर डीएस राणा को मिलने के लिए भी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुलाया है। जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, अब से कुछ देर बाद इनकी मुलाकात होनी है और देखना होगा क्या कुछ स्वास्थ्य को लेकर, इसके अलावा जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनको लेकर क्या कुछ चेंजेस किए जाते हैं। बहरहाल इन सब के बीच अगर आंकड़ों की बात करें तो दिल्ली में भी एक एक दिन में कई कई हजार मामले सामने आ रहे हैं जो अपने आप में चिंता का माहौल पैदा कर रहे हैं। अब लोगों को ये डर सताने लगा है कि कहीं दिल्ली भी महाराष्ट्र की राह पर ना चलने लगे। हालांकि नाइट कर्फ्यू का ऐलान जरूर दिल्ली में कर दिया गया है, लेकिन अभी भी कोरोना उतनी ही तेजी से बढ़ रहा है और अब डॉक्टर्स इसकी चपेट में आ गए हैं। जैसे भी अपडेट इस पूरे मामले पर आती रहेगी आपको हम पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।